और चलिए अगली खबर इस वक्त की बड़ी जानकारी सुकमा से है, जहां पुलिस जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। जगरगुंडा में तोमरगट्टा और सिंगावरम के जंगल में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को ढेर भी किया है। एक बंदूक, वायरलेस सेट और अन्य सामान जब्त किया गया। सुकमा SP किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चलें कि इस वक्त की बड़ी खबर सुकमा से है। पुलिस जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जगरगुंडा के तोमरगट्टा और सिंगावरम के जंगल में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को ढेर किया। एक बंदूक, वायरलेस सेट और अन्य सामान जब्त किया गया। सुकमा SP किरण चौहान ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। सुकमा से बड़ी खबर आपको बताते चले कि अभी हाल में ही बीजापुर में IED ब्लास्ट नक्सलियों द्वारा किया गया था। दो जवान शहीद हुए थे, दो घायल। और वहीं अब सुकमा में एक बार फिर पुलिस जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सलीम शेख हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सलीम, क्या कुछ अपडेट इस मुठभेड़ को लेकर? फिलहाल अभी मुठभेड़ रुक गया है। सुबह दो दिनों से हो रही तेज बारिश के बावजूद ऑपरेशन मानसून लॉन्च किया गया था। जगरगुंडा थाना क्षेत्र DRG की टीम रवाना हुई थी। जगरगुंडा एरिया कमेटी की एक उपस्थिति थी, जिसे बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए नक्सलियों की टीम मौजूदगी की सूचना मिली थी पुलिस को, जिसके बाद एक विशेष रूप से स्पेसिफिक इनपुट पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसके बाद आज सुबह नक्सलियों और DRG जवानों के बीच में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस के जवानों ने एक नक्सली को मार गिराने में सफलता मिली है। वहीं जवानों ने मौके से शव को बरामद कर लिया है। नक्सली की शिनाख्त की जा रही है और साथ ही एक भरमार बंदूक, वायरलेस सेट और तमाम तरह के जो नक्सली सामग्री है, विस्फोटक सामग्री बरामद किया गया है, जिसे पुलिस अब बड़ी सफलता के रूप में देख रही है। बिल्कुल, बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस को मिली, सुरक्षा बलों को मिली है। और ऐसे में उम्मीद की जाती है कि जल्द ही इस नक्सलवाद की समस्या का समाधान भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया सलीम तमाम जानकारी देने के लिए।